सेंधवा अज्ञात जंगली जानवर ने 7 साल की बच्ची को बनाया अपना शिकार। पूरे शरीर को खाने के बाद सिर्फ छोड़ा सर का हिस्सा। चाचरा चौकी क्षेत्र के वन क्षेत्र में बसे गांव रावलिया माल के घर के बाहर सो रही एक 7 साल की बच्ची को अज्ञात जंगली जानवर उठाकर ले गया। बच्ची का शिकार कर उसे खाने के बाद अज्ञात जंगली जानवर सिर्फ उसका सर मौके पर छोड़कर गया। ग्रामीणों द्वारा बच्ची का सर दिखने के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जंगल और पहाड़ी क्षेत्र होने से मौके पर पहुंचने के लिए पुलिस और वन विभाग की टीम को भी काफ़ी मशक्कत करना पड़ी। एडीओपी कमल सिंह चौहान ने बताया कि प्रथम दृष्टि यह मामला जंगली जानवर के हमले में बालिका की मौत होना प्रतीत हो रहा है। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है। बालिका के सर को पीएम के लिए भेजा गया है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। वहीं वन विभाग के द्वारा मृतक बालिका के पिता को आर्थिक मदद के रूप में 10,000 रुपये की नगद राशि दी गई है। वहीं मुआवजा प्रकरण बनाकर भी भेजने की बात कही गई है। वहीं घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। मृतक बालिका के पिता मीसिया ने बताया कि वह उसकी पत्नी के साथ मजदूरी के लिए महाराष्ट्र गया हुआ था। उसके 3 बच्चों को उनकी दादी के पास छोड़कर गया था। सूचना प्राप्त हुई थी कि रावलिया माल में एक 7 वर्षीय बालिका का एक धड़ जंगल में पड़ा हुआ है। मामले में हमारा द्वारा फिर फॉरेस्ट विभाग को सूचना दी गई, साथ ही एफएसएल अधिकारी को सूचना दी गई थी। बाद में हम लोग जब वहाँ मौके पहुँचे तो प्रथम दृष्टा मामला ये लग रहा है कि उसको जानवर द्वारा उसको खाया गया है, और उसके ब्लड और घर कच्चा था और वहाँ तेंदुए और अन्य जंगली जानवरों का मूवमेंट होते रहता है। मर कायम कर लिया गया है। एफएसएल रिपोर्ट और पीएम रिपोर्ट बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।